Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अलीना और अलिश्वा दोनों में वही प्रॉब्लम है जो मैं समझ रही थी। क्या क्या प्रॉब्लम? राहील, राहील को कहना आइंदा मुझे फोन ना करे, वरना मैं उसके घर में घुसकर उसका मुंह नोच लूंगी। कुछ दिनों के लिए बच्ची को शहर से बाहर भेजवा और ये मंगनी मंगनी का सिलसिला खत्म करें। अच्छा लड़का नहीं है वो अलीना, देखो ना पुलिस वालों के साथ मिलकर हमें तंग कर रहे। एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो मुंह घूम जाएगा तुम्हारा। कौन सा काम किया तुमने हमारा, बोलो। अगर 3 दिन में पैसे ना दिए तो वो मोबाइल की वीडियो सबको दिखा देगा। आप लोग जाएं यहाँ से। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम सब तुम्हारे दुश्मन हो। बेटा प्रॉब्लम तो बताओ क्या है। मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। ऐसे ही तुम्हें अकेला छोड़ दें? भाई तुम्हारी उम्र बहुत कम है और तुम इस उम्र में बदहवासी की बातें कर रही हो। ये अच्छी बात नहीं है। बाबा, बाबा। अलिश्वा, अलिश्वा। भाई आप मेरे कमरे की चेकिंग करें, मेरी अलमारियां तलाश करें, मेरी पॉकेट चेक करें। कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? आप लोगों ने मुझे तमाशा बना के रख दिया। जब मेरे घर वाले मुझ पर यकीन नहीं करेंगे तो बाहर वाले तो दूर की बात है। अच्छा एक मिनट, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से, बाद में आएंगे, अभी ये गुस्से में। मैं गुस्से में नहीं हूँ और आप लोग प्लीज यहाँ आने की जहमत मत कीजिए। बदतमीजी नहीं करो, तुम अपने बाबा से बात कर रही हो। सबकी बातों पे यकीन है, सबकी बातों पे भरोसा है, लेकिन मैं कह कह के मर गई कि मैं ड्रग्स नहीं लेती, मेरी बात पे किसी को यकीन ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, मैं एक जेल में हूँ जहाँ पे बाकी कैदियों से बात करने की इजाजत ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? प्लीज भाई लीव मी अलोन। क्या हुआ, कैसी तबीयत है उसकी? हाँ कुछ बेहतर है, ठीक है वो। मैं पहले ही कह रहा था दिस पनिशमेंट इज गेटिंग टू मच फॉर हर। अभी बच्ची है वो, उसे हमारे सपोर्ट की जरूरत है, ना कि सब उसके पीछे पड़े हुए हाथ धो के। मुझसे भी बहुत नाराज है वो। नाराज तो खैर वो सबसे है, लेकिन मुझे इस बात का डर लगता है कि गुस्से में कहीं कुछ स्टूपिड ना कर दे वो अपने साथ। देखिए जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं उससे बात करती हूँ, आप परेशान मत हो। मैं सामिया को भी कहता हूँ, उससे बात करेंगे। सामिया? क्यों? आपने कहा और सामिया मान गई। ओके व्हाटएवर प्लीज। फाइन। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे मगर मेरा दिल कहता है कि मेरी बच्ची ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है कि गुस्सा किसी और बात का है और निकाल यहाँ पे रही है। देखो बेगम, ये उम्र ही ऐसी होती है, लड़की हो या लड़का हो बहुत कड़ी नज़र रखनी पड़ती है। याद नहीं अज़र ने सिगरेट शुरू कर दी थी? अरे तो वो अब कौन सा बाज आया है, अभी भी पीता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अलिश्बा के एग्जाम ख़त्म हो जाए तो उसको कहीं बाहर भेज दो 20-25 दिन के लिए घूमने फिरने। एक्सीडेंट के बाद बहुत बदल गई है वो। मुझे तो इस जोहेर वाले मामले की बड़ी टेंशन है। अरे हुंडा मवाली लड़का है वो, और मेरी बच्ची बेचारी फूल जैसी बाहर भी निकलती है घर से, कहीं तंग ना करे उसे वो। अरे उसकी मजाल नहीं है कि वो बुरी नज़र भी डाल सके। मेरी बच्ची बेचारी लड़की जात है, जवान है, खुदा ना। अरे समझ में आ गई बात मेरे, देख लूंगा मैं, बस करो, एक चीज के पीछे पड़ जाती हो।
आप ना माने लेकिन इस घर पे किसी ने कुछ कराया है। तुम जब भी बात करती हो ऐसे बात करती हो कि दिमाग खोल उठता है। भाई कोई कुछ क्यों कराएगा हमारे घर पर? उस दिन अली भाई और भाभी आए थे ना, भाभी ने घर में घुसते ही कह दिया कि इस घर में कुछ है। पढ़ती पढ़ाती हैं बहुत, उन्हें फौरन पता चल जाता है। आपके भाभी आए ना तो उनसे कहना खावर कह रहे थे कि उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। इस तरह तो मैं भी बहुत पढ़ता पढ़ाता हूँ, मैं भी बहुत पहुंचा हुआ हूँ। अरे बेटी की हालत देखी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सब गुस्सा आ रहा है मुझे। ये पीरी फकीरी ये सब ढकोसला है, पैसे कमाने के चक्कर है और तुम ना पड़ जाना इस चक्कर में। तुम तो ना बस शोर मचाते रहा करो, कभी ठंडे दिल से मेरी बात ना सुनना। कुछ भी कहो इनको तो फौरन गुस्सा आ जाता है, मुंह से थूक निकलने लगता है। हुआ पराठे तैयार हो गए? जी बेटा। आई होप मजे के हों, अलिश्बा को मनाना भी तो है। हेलो। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? देखो फोन उठा लूंगी और बात भी कर लूंगी, लेकिन अगर तमीज से बात करोगे। मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। हाँ, हम मिल भी सकते हैं। लेकिन जुहेर अगर तुमने सीन क्रिएट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीन तो क्रिएट हो चुका है लीना। And you started it. देखो। Let's meet and let's talk like adults, ठीक है? Okay. कब मिलना? मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें फोन करके बता दूंगी। Okay. I love you. Bye. Sure. Take care. Ooh. Gara paratha. Suhir ka phone tha. Kya keh raha tha? Kuch bhi nahi. Kamina piche hi pad gaya. Keh jo diya ki bhai shaadi nahi karni to phir ye phone kyun karta hai tumhe? Waise aapko nahi lagta ki is parathe ki shakal Suhir se milti hai? Ab Suhir tabhi acha nahi hai. Chalo, Elizabeth se poochte hain. उसको जाके उसका नाश्ता दिखाते हैं। मेरा फोन ले आए बुआ। अरे यार ये तो बहुत लंबा फॉर्म है, ऐसे भरने में तो कल हो जाएगी। राइटिंग देखो अपनी, कैनेडियंस को समझ में भी नहीं आ रही। इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ ज्यादा बुरी नहीं है वैसे। असर कनाडा जाके ना मैं भी जॉब करूंगी। अरे हाँ सुनो, तुम एक काम करो, बहुत सारे कपड़े बनवा लो। क्यों? अरे जब कनाडा जाओगी और वहाँ पे जॉब पे जाना शुरू करोगी तो बहुत सारे कपड़ों की जरूरत तो पड़ेगी ना। हाउ मीन? वैसे सर बाबा ने कभी बाहर जाने का नहीं सोचा ना? सामिया, बाबा एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है, वो मुल्क छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। यार रखा ही क्या है, और वैसे भी कनाडा से आना जाना अब कोई मुश्किल थोड़ी है। सही बात है, कोई मुश्किल नहीं है, बस बस पकड़ी और फौरन पलक झपकते में कराची। बड़ा मजाक सोच रहा है, कहो तो गद्दा नीचे लगा दूं। मैं सांस भी लेता हूँ ना तो मुझे नीचे सोना पड़ता है, तुम एक काम करो परमानेंटली मेरा बिस्तर नीचे लगा दो, बेहतर होगा। गुड आइडिया। ठंडी ठंडी लस्सी मेरी प्यारी बहन के लिए, ये लेकर निकल जाओ यहाँ से। क्या हो गया अलिश्बा? दोस्त हो ना तुम मेरी, बहुत खूब दोस्ती निभाई है तुमने। अलिश्बा एक सेकंड के लिए मुझसे बात तो कर लो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकती हूँ। आपा मैं अंधी नहीं हूँ, आई लव राहिल और उन गंदे लोगों से वही मेरी जान छुड़ा सकता है। कौन है ये गंदे लोग? कौन तंग कर रहा है तुम्हें मुझे बताओ। आप तंग कर रही हैं, आपके तो 10 दोस्त हैं, मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है, वो भी अब आपका दोस्त है। कुत्तों की तरह दुम हिलाता है आपके पीछे। माइंड योर लैंग्वेज अलिश्बा। बहुत बुरा लग रहा है ना? किसका फोन है ये? किसी का नहीं। मुझे बताओ तुम्हें कौन कॉल कर रहा है? क्यों बताऊं आपको? कुछ नहीं बताऊंगी मैं आपको। यू मे गो नाउ। और हाँ ये पराठे और ये लस्सी जो आपके अपने राहिल को खिला देगा। क्या हुआ बेटा? खुद ही पूछे इससे। कितने प्यार से बनवा के लाई थी वो सब कुछ तुम्हारे लिए। जानती हूँ कितना प्यार करती है मुझसे वो, सबके प्यार का अंदाजा है मुझे। बेटा सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पता नहीं उल्टी सीधी बातें तुम्हें कौन समझा रहा है। बुआ मैं खुद बहुत समझदार हूँ। बेटा कुछ खा लो।
भूख नहीं है मुझे बुआ। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा कुछ खा लो बेटा। बुआ पीछे मत पड़ा करें, मैंने कहा ना भूख नहीं है मुझे, और ले जाइए सब वरना ये भी तोड़ दूंगी मैं। देखो अलिजबा, इतनी सी एज में इतना सीरियस होना कोई अच्छी बात नहीं है। ओके ठीक है जनाब। लिसन छोटी, यू आर नॉट अलोन, रिमेंबर। इसका मतलब है चाय मुझे अकेले पीना पड़ेगी जी, और बनाना भी अकेले पड़ेगी जी। ओके तुम अलीना से नाराज हो? नहीं भाभी, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। देखो तुम दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है उसे बात करके ख़त्म करो, इस तरह घर में लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। क्या बात करूँ, पापा बहुत बेहिस है। मुझे नहीं बताओगी कि पूरी बात क्या है? अब आपसे क्या छुपाना भाभी, राहिल को तो आप जानती हैं। जुहैर तुम्हारे एक बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। देखो जुहैर मियाँ, मैं तुम्हें साफ साफ अल्फाज में बता चुका हूँ, ना हम तुमसे मिलना चाहते हैं ना ही कोई बात करना चाहते हैं, बस। अंकल आखिरी बार मुझसे मिल लें, मैं इसके बाद कभी आपको तंग नहीं करूंगा, प्लीज। देखो अगर तुमने कोई बात करनी है तो फोन पे करो, चलो मैं सुन रहा हूँ, बात करो। अंकल प्लीज मुझसे मिल लें, मैं अभी आ जाता हूँ। अंकल प्लीज मुझसे मिल लें। अलीना कहाँ है? बाहर गई भी है। जुहैर जो भी बात करनी है फौरन आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, और सुनो देर ना लगाना। जुहैर का फोन था, कहता बहुत जरूरी बात करनी है, पता नहीं क्या बात करनी है। अलिश्बा ये कमरे से बाहर और अब ये कम्प्लीटली बाहर आ गई है, और अब आप रहने दें क्योंकि अलिश्बा अब सिर्फ भाभी की दोस्त है। वाह, कुछ खाने को दे दें अम्मा। आई लव यू बाबा, अभी लो। वो जुहैर आ रहा है मुझसे मिलने अभी। अभी लेकिन अलीना तो उसी से मिलने गई भी है। लेकिन वो तो अपनी वालदा के साथ था। फिर उसे पिक करने कौन आया था? मुझे कमरे से निकलने की इजाजत नहीं, और अलीना एक दिन में 6 अलग अलग लड़कों के साथ गाड़ी में घर आती है, उसे कोई कुछ नहीं कहता। ये ठीक है, ये झूठ बोलकर किसके साथ मिलने गई है? ये मुसीबत जुहैर क्यों आ रहा है आपसे मिलने के लिए? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप बस मुझे एक बार उससे मिलवा देना, मैं उसे मना दूंगा। पागल हो, सर तोड़ देगी तुम्हारा। देखिएगा आप, राहिल को जाके वो ऐसी जगह छोड़ेगी जहाँ पानी भी नहीं मिलेगा उसे। मेरी शादी इसी घर में होगी, समझे? शर्म नहीं आती आपको? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। घर में घुस के जबान खींच लूंगा तुम्हारी। मैं प्यार से बात किए जा रहा हूँ और तुम्हारा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। मैं तुमसे ये रिश्ता तोड़ चुकी हूँ जुहैर। Thank you.
Thank you.